हेलो दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आज की वीडियो में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो शो करके दिखा देता हूँ कि इस फोन में जो है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, फोन जो है वो ऑन हो गया, मतलब चार्जिंग ऑन हो चुका है। फोन जो है वो हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फोन अभी तक चार्ज हो रहा है, तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए चार्ज पे रखूंगा और मैं आपको प्रॉब्लम को शो देखिए आ गया। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, बैटरी एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बैटरी एरर का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मार्केट में कस्टमर ने कई जगहों से ट्राई किया है, अलग अलग बैटरी डलवा के, सभी बैटरीज में सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है बैटरी से भी हो सकती है, या ये प्रॉब्लम है मदरबोर्ड के अंदर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखूंगा कि प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं फोन को पहले खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एकदम जंग लग चुका है। इसका जो लाइट है, जो टॉर्च है, वो एकदम से खराब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इस चीज़ की वजह से भी एक बार आ सकती है, हो सकता है कि हमारी टॉर्च की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा हो, या हमारा चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो सकता है, उसकी वजह से भी ऐसा हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। वो भी देखेंगे कि कनेक्टर का इशू है, किस चीज़ का इशू है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये टॉर्च है, जो एलईडी लाइट है, उसको निकाल देता हूँ और एक बार फ़ोन को फिर से चार्ज करके देखो। ठीक है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी भी वैसे ही बना है, हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसका चार्जिंग का जो कनेक्टर है उसको चेंज करूँगा, उसको निकाल दूँगा, नया लगाऊँगा, उसके बाद फिर से मैं ट्राई करूँगा, चेक करूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के लिए हमें माइक को निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, वायर वाला माइक है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी निकाल देता हूँ ताकि माइक लगाने की नौबत ना आए। तो चलिए फोन को हम लोग अपने स्टैंड में होल्ड कर देते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चार्जिंग का सॉकेट जो है वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो चुका है, एकदम सही तरीके से प्लग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से अपने फ़ोन को चार्ज करके ट्राई करेंगे कि हमारा फ़ोन जो है वो अभी भी वैसे ही प्रॉब्लम में है, चार्ज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी वो जो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो अब कभी भी आपके फ़ोन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अभी तक वैसा नहीं आया, आप देख सकते हैं यहाँ तक फ़ोन चार्ज हो रहा है। मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ऑन कंडीशन में भी फ़ोन हमारा चार्ज होगा, प्रॉब्लम नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन में भी हमारा फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हैं, आप भी चीज़ों को चेक कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर फ़ोन को जो है कुछ टाइम के बाद पैक करूंगा, क्योंकि ये जो एलईडी लाइट है ये ख़राब हो चुकी है, ये मुझे मंगानी पड़ेगी, इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं फ़ोन को बाद में पैक करूंगा, मैं फ़िलहाल फ़ोन को बस इतना ही पैक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मार्केट जाना होगा एलईडी लाइट लाने के लिए। तो मैं मार्केट से लेके आऊँगा, उसके बाद फ़ोन को पैक कर दूँगा। लेकिन रही बात हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा जो प्रॉब्लम था, वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो ठीक है, चलिए आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे मिलूंगा अपने आने वाले अगले वीडियो में।